हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथमेजिक पटना में। तो जैसा कि मैं आप लोगों के बीच प्रीवियस ईयर वोकैब का प्रैक्टिस सेट चलवा रहा हूँ, और आज आप लोग का सैटरडे है और सैटरडे को ओडब्ल्यूएस होता है, तो ये ओडब्ल्यूएस का 8वां सेट है जिसमें मैं आप लोगों के बीच और प्रीवियस ईयर में पूछे गए ओडब्ल्यूएस के 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, और उसको मैं आपके सामने सॉल्व करके आप लोग को एक एक वर्ड का मीनिंग समझाऊंगा ताकि आप लोग को एग्जाम में उससे काफ़ी फायदा हो। तो चलिए बिना देरी किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आप लोगों के बीच, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, दैट विच कैन नॉट बी करेक्टेड, तो जिसे सुधारा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो उसका सही आंसर हो जाएगा इनकरेजिबल। इनकरेजिबल वर्ड के बारे में मैंने आप लोग को पिछले क्लासेस में भी बताया है, तो ये वर्ड आप लोग को याद होना चाहिए। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? इनकरेजिबल। वही ऑप्शन ए क्या है? इम्प्रिग्नेबल। इम्प्रिग्नेबल का हिंदी होता है अभेद। क्या होता है इसका हिंदी? अभेद। और वही ऑप्शन बी क्या है? इमोलेशन। इमोलेशन का मतलब होता है बलिदान। क्या होता है इसका हिंदी? बलिदान। एक एक वर्ड आप लोग नोट करते जाइएगा। वही ऑप्शन डी क्या है? इनएलिजिबल। तो इनएलिजिबल का मतलब होता है अनुचित। क्या होता है इसका हिंदी? अनुचित। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर द रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स, तो एक ऐसा व्यक्ति जिसे किसी दूसरे के ब्लेम किसी दूसरे के ऊपर थोप दिया जाए, मतलब गलती किसी और का है और किसी दूसरे व्यक्ति पे उसे थोप दिया जाए, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्कैप गोट कहते हैं। स्कैप गोट का मतलब होता है बलि का बकरा। तो बलि का बकरा इसका हिंदी हो गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। वहीं ऑप्शन बी क्या है? कैप्टर है। तो कैप्टर का मतलब क्या होता है? कैदी बनाने वाला। जो आप लोग को जो कैदी बनाता है उसे क्या कहते हैं? कैप्टर कहते हैं। वहीं ये वर्सर है। वर्सर कोई वर्ड नहीं होता है तो इसे आप लोग छोड़ दीजिएगा। वहीं क्या है? ऑप्शन सी फ्लिगमैटिक। फ्लिगमैटिक का मतलब होता है सुस्त। क्या होता है? सुस्त। तो इसका हिंदी भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी दोस्तों, क्षमा चाहूंगा, बीच में नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण बफरिंग हो गई। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एक्ट ऑफ स्पीकिंग इररिवरेंटली अबाउट स्केयर थिंग्स, तो इसका क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ब्लैस्फेमी। ब्लैस्फेमी का मतलब क्या होता है? इस या निंदा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। वही ऑप्शन ए क्या है? एथेइस्ट। एथेइस्ट का मतलब होता है नास्तिक। वहीं ऑप्शन सी क्या है? बेलिकोस। बेलिकोस का मतलब क्या होता है? लड़ाकू होता है। तो इसका हिंदी भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? डिफेक्शन। डिफेक्शन का मतलब होता है भंग। क्या होता है? भंग, भंग करना। तो चलिए इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। फोर्थ नंबर, अ पर्सन हु टॉक्स टू मच ऑफ हिमसेल्फ, मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो सिर्फ अपने बारे में ही बहुत ज्यादा बोलता है, मतलब कि अहम है उसके अंदर, अहमवादी उसको बोल सकते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों होगा। दोनों एक दूसरे का साइनो है। यहाँ पे ऑप्शन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है, तो ये आप लोग दोनों हो सकता है। इगोटिस्ट का मतलब भी अहमवादी ही होता है और इगोइस्ट का मतलब भी अहमवादी ही होता है। तो इसका आंसर ए और डी डी दोनों हो जाएगा। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। वहीं ऑप्शन ई क्या है? ऑप्शन सी क्या है? इमेटिक। तो इमेटिक का मतलब होता है बमनकारी। और वहीं ऑप्शन बी क्या है? इलाइट। इलाइट का मतलब क्या होता है? अभिजात वर्ग, मतलब कि किसी किसी वर्ग से अलग जात का, तो उसे इलाइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ, मतलब कि टेक अवे और अल्टर द नेचुरल क्वालिटीज ऑफ, तो इसका देखिए मतलब हो गया विकृतिकरण करना, मतलब एक क्वाल मतलब किसी चीज को एक दूसरे चीज से अलग करना, तो उसे क्या कहते हैं? डिनेचर कहते हैं। डिनेचर का मतलब होता है विकृतिकरण। क्या होता है? विकृतिकरण। वहीं ऑथेंटिक आप लोग को मैंने पहले ही बताया, ऑथेंटिक मतलब विश्वसनीय होता है। और अनएडल्ट्रेटेड मतलब क्या होता है? चापलूसी नहीं करना। वहीं अन का हटा देंगे तो एडल्ट्रेटेड मतलब क्या होता है? चापलूसी करना। अन लग जाने से ये निगेटिव सेंस दे दिया। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन डी क्या है? लिम्पिड। लिम्पिड का मतलब क्या होता है? पारदर्शक होता है। तो ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीके
ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग अ फेटिड स्मेल, मतलब कि डीके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूसिंग अ फेटिड स्मेल। फेटिड स्मेल कब आता है? जब कोई चीज सड़ जाता है या मतलब दुर्गंध हो जाता है उसमें, उसे कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्यूट्रिफाई। प्यूट्रिफाई मतलब क्या होता है? सड़ना या गलना। तो वही इसका सेंस दे रहा है कि सड़ जाने के बाद क्या होता है, एक दुर्गंध पैदा होता है, तो वही फेटिड स्मेल होता है। तो इसका है हो गया प्यूट्रिफाई, और प्यूट्रिफाई का हिंदी क्या होता है? सड़ना होता है। इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी क्या है? नियोटेरिक। तो नियोटेरिक का मतलब होता है हाल ही में हुआ, मतलब कोई चीज अभी जस्ट हुआ है, कुछ दिन पहले या कुछ देर पहले, तो उसे नियोटेरिक कहते हैं। वहीं ऑप्शन बी क्या है? क्रिस्प। क्रिस्प मतलब होता है कुरकुरा। क्या होता है? कुरकुरा। और ऑप्शन डी क्या है? वर्जिन। वर्जिन मतलब होता है अछूता, कुमारी, शुद्ध, कुछ भी आप लोग बोल सकते हैं। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिमिनिश इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। डिमिनिश इन वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा, डिप्रिसिएट। डिप्रिसिएट मतलब क्या होता है? मूल्य कम करना। तो वही इसमें दे रखा है, डिमिनिश इन वैल्यू, वैल्यू को कम करना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ समय के बाद। कुछ समय के बाद किसी का मूल्य कम करना क्या हो जाएगा? डिप्रिसिएट हो जाएगा। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब क्या होता है? खराब होता है। वहीं ऑप्शन सी क्या है? एग्रेंडाइज। एग्रेंडाइज का मतलब होता है बढ़ाना, किसी चीज को बढ़ाना। और वहीं ऑप्शन बी क्या है? ऑगमेंट। ऑगमेंट का मतलब ही होता है बढ़ाना। तो ये एक दूसरे का साइन हो जाएगा। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रन, मतलब कि जो बच्चे पैदा नहीं कर सकता हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? स्टेराइल कहते हैं। स्टेराइल का हिंदी क्या होता है? बांझ होता है। जिसके बच्चे नहीं होते उसे क्या कहते हैं? बांझ कहते हैं। बांझ का इंग्लिश हो गया स्टेराइल, और वही इसका दे रखा है, नॉट एबल टू प्रोड्यूस चिल्ड्रेन। तो ये आप लोग का सही आंसर ऑप्शन डी हो गया। वही ऑप्शन ए क्या है? ग्रेविड। तो ग्रेविड का मतलब क्या होता है? सगर्भा या गर्भित, मतलब जो गर्भित हो, जो महिला, उसे ग्रेविड कहते हैं। वही ऑप्शन सी क्या है? फेकंड। फेकंड का मतलब होता है उपजाऊ। क्या होता है? उपजाऊ। तो इसका स्टेराइल का एंटो में फेकंड भी कभी कभी ले लेता है। तो ये एक दूसरे का एंटो है। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। वहीं ऑप्शन बी क्या है? हेबेटिक। हेबेटिक का मतलब होता है यौवनारंभ कालीन। यौवनारंभ कालीन। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फ्यूनरल पोएम। क्या है? एक फ्यूनरल पोएम मतलब कि शोक गीत। क्या कहेंगे इसको हिंदी में? शोक गीत। तो शोक गीत का इंग्लिश क्या होता है? इलेगी होता है। इलेगी मतलब क्या होता है? शोक गीत। तो ये इसका ओडब्ल्यूएस हो गया। तो इसे आप लोग नोट कर लीजिएगा। वहीं ऑप्शन बी क्या है? पैंडीमोनियम। क्या है? पैंडीमोनियम। पैंडीमोनियम का मतलब होता है विप्लव। क्या होता है? विप्लव होता है। और ऑप्शन सी क्या है? पैरोडी। पैरोडी का मतलब होता है हास्यानुकृति। क्या? हास्यानुकृति। इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये अच्छा वर्ड है, पूछा गया एग्जाम्स में। और ऑप्शन डी क्या है? सोनेट। तो सोनेट लगभग 15 से 20 बार पूछा गया क्वेश्चन है सोनेट। आप लोगों में से कईयों को ये वर्ड याद होगा, और जिन्हें नहीं याद है तो आज याद कर लीजिए। सोनेट काफी भीभी वर्ड है। सोनेट मतलब होता है 14 लाइन्स पोयम, मतलब कि 14 लाइन में लिखी हुई कविता, गीत, कुछ भी बोल सकते हैं, जो 14 लाइन का हो उसे सॉनेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉनेट। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का। लास्ट क्वेश्चन करने से पहले, अगर अभी तक आप लोग वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है? वन हु वॉक्स इन स्लीप। वन हु वॉक्स इन स्लीप, जो कि नींद में चलता हो, तो नींद में चलने वालों को क्या कहते हैं? सोमनाबुलिस्ट कहते हैं। ये क्वेश्चन भी 9 बार पूछ चुका है एसएससी में। तो ये आप लोग के लिए काफी भी आया। सोमनाबुलिस्ट। सोमनाबुलिस्ट का मतलब क्या होता है? नींद में चलने वाला। वन हु वॉक्स इन स्लीप। तो ये आप लोग का सही आंसर हो गया ऑप्शन डी। वहीं ऑप्शन ए क्या है? ड्रॉवर। ड्रॉवर का मतलब क्या होता है? चौपायों को बेचने वाला। जो चौपायों को बेचता है उसे क्या कहते हैं? ड्रॉवर कहते हैं। ऑप्शन बी क्या है? फास्टिडियस। फास्टिडियस का मतलब होता है दुराराध्य। तो इसे भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी क्या है? न्यूमिस्मैटिस्ट। तो न्यूमिस्मैटिस्ट का मतलब होता है मुद्रा शास्त्री। क्या होता है इसका हिंदी?
मुद्रा शास्त्री। तो ये था आज का 10 क्वेश्चन आप लोगों के बीच। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट रह गया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं, मैं सभी के कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। तो कोई भी डाउट हो तो उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। और अगर इससे पहले वाला सेशन अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसका प्लेलिस्ट आ रहा होगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से जाके प्लेलिस्ट से आप लोग सारा वीडियो एक एक करके देख लीजिए और उनको नोट करके याद कर लीजिए, ताकि आप लोगों को आने वाले एग्जाम्स में वोकैब में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि वोकैब अब मेरे साथ करना है आप लोगों को, एक एक वोकैब मैं आप लोग को अच्छे से याद करवा दूंगा, ताकि आप लोग को आने वाले एग्जाम्स में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ये इसका पीडीएफ, और ये देखिए इसका आंसर की है, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दिया हूँ, तो वहां से आप लोग जाके डाउनलोड कर लीजिए। अगर अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक आ रहा होगा, वहां से जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे आप लोग को ये पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा इसके पिछले क्लासेस का भी पीडीएफ आप लोग मिल जाए आप लोग को वहां पे मिल जाएगा। तो वहां से जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए और उससे आप लोग कुछ दिन बाद जब मैं बोलूंगा तो प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिएगा, तो उससे आप लोग को एग्जाम में काफी फायदा मिलेगा। तो यही था आज के वीडियो में। इसके अलावा मैं स्टैटिक जीके का प्रैक्टिस सेट चलवा रहा हूँ, तो अगर वो क्लास आप लोग ले रहे हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं ले रहे हैं तो उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। वो भी प्रीवियस ईयर पे बेस्ड है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्टैटिक जीके के मैं उसमें करवा रहा हूँ, जिससे आप लोग को एग्जाम में काफी फायदा होगा। तो उसका भी प्लेलिस्ट आपको टेलीग्राम उसका भी प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग स्टैटिक जीके का भी देख सकते हैं। तो यही था आज के वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।